आई एम डॉक्टर नयन सिंह, मैनुअल कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। आई एम फ्रॉम बरेली, बाबा फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आप सोच रहे होंगे गले में क्या डाल रखा है। जी हाँ, आपको अगर ये अभी बताने वाला हूँ क्या है, इसी के द्वारा सारा काम होने वाला है। क्योंकि अभी चल रही है ठंड, और ठंड में मफलर तो और कोई गले में यूज करता ही है, तो इसीलिए मैंने गले में डाला है। शायद मैं कैसा भी लग रहा हूँ आपको, उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। तो गर्दन का दर्द जो भी हो रहा है, यानी गर्दन की नस दब रही है, या आपके गर्दन में किसी भी तरह का पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, और आप चाहते हो उसको ठीक करना, तो आप इसके द्वारा ठीक कर सकते हो। तो मैं आपको एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। जी हाँ, तो आप इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ में जिनको इस वीडियो की आवश्यकता हो सकती है। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी तरह का नेक में पेन है, तो आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। वैसे मैंने इस पे, अगर सर्वाइकल होता क्या है, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, तो ये सारी मैंने वीडियो बना रखी है, जो कि आई बटन पे देखने को मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपके समझ में आने वाला है। देखिएगा, नेक में अगर पेन है, तो इस तरह से मफलर को गले में डाल लेना है। जी हाँ, और यहां से थोड़ा सा फैला लेना है इस तरह से, ठीक है। अब इस तरह से इसको पकड़ ले रहा है। अब पकड़ने के बाद आपको यहां हाथों से इसको आगे की ओर खींचना है, यानी कि जैसे मैं आपको दिखाऊं, तो हाथों को इससे आगे की ओर खींचना, नेक पे पीछे की ओर प्रेशर लगाना है, ऐसे। ये प्रेशर लगातार लगाते रहना, और फिर मतलब छोड़ते रहना, होल्ड करना, छोड़ते रहना, ठीक है, इस तरह से। ऐसे वीडियो जल्दी नहीं मिलने वाले आपको YouTube पे, जो कि मैं नई ट्रिक से आपको बता रहा हूं। तो सर्वाइकल जो पेन होता है, उसमें आप दूसरे तरह से ये वाली भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपके इस साइड में पेन है, मान लीजिए इस साइड में, तो आप इस साइड में ऐसे करके हाथ को खींच सकते हैं, ऐसे इस हाथ से, और अपोजिट साइड में ऐसे करके जो फोर्स लगा सकते हैं। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करते रहना है, ठीक है। आप इससे जो है 3 से 4 मिनट ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, फोर्स वाली। उसके बाद आपको क्या करना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैंने और वीडियो बना रखी है, इसमें मैंने आपको बिना इसे किसी इक्विपमेंट के मैंने आपको बताया है। तो इसमें आप ऐसे करके मतलब हल्का खिंचाव डाल सकते हैं, इस साइड से इस साइड कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये भी आप मतलब हल्का सा खिंचाव डाल के एक्सरसाइज को कर सकते हैं, और मतलब दूसरे तरह से आप गर्दन को हल्का रोटेशनल इधर रोटेट कर सकते हैं अपनी जगह से, ठीक है। जहां दर्द आया वहां से थोड़ा सा घुमाएं, और फिर अपना सीधे हो जाएं। ये एक्सरसाइज करनी है, लेकिन एक सीधे एंगल एक्सिस पे करनी है, हमको नेक सीधी रखना, ना कि ऐसी, ये गलत मूवमेंट बिल्कुल नहीं करनी, इसको अवॉइड करना है। और अगर आप किसी स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल को आप यूज करते हैं, तो आप इसको भैया बिल्कुल भी अभी अवॉइड कीजिएगा कुछ दिन, क्योंकि अगर नेक में पेन होता है और आप उस दौरान लॉन्ग टाइम तक चैटिंग करते हैं, यानी हम भूल जाते हैं कि हम बात कर क्या रहे हैं, किससे कर रहे हैं, और बातों में खो जाते हैं, तो समझ जाइए कि ये नेक पेन का एक कारण बनता है। लेकिन इस पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आई बटन पे ये भी देखने को मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट पूरी चेक कर लीजिएगा। तो अवॉइड करना है, झुकने वाले काम करना मतलब काम कम करने हैं, और आपको एक सर्वाइकल कॉलर ले लेनी है, उस पर भी मैंने आपको वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। नेक पेन के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना रखी है, नेक पेन, लो बैक पेन, नी पेन, मैंने हाथ के पेन और फ्रैक्चर से जुड़ी, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये वाली एक्सरसाइज, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, और मेरे से व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी वहां भी देते रहता हूँ। आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप सभी लोगों के सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी अन्य टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना रखिए ख्याल।